हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों दोस्तों जैसे कि पेपर फोर पर बात कर रहे हैं, पेपर फोर पे हम कर रहे हैं आज प्री राइटिंग स्किल यानी कि पूर्व लेखन कौशल। जैसे कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं तो उनको हम कुछ फंक्शनल एकेडमिक सिखा रहे हैं जिसमें आज हम कराएंगे प्री राइटिंग स्किल यानी कि पूर्व लेखन कौशल क्या है, इसकी पूर्व आकांक्षाएं क्या है और कौन कौन से प्री राइटिंग स्किल्स के कौन कौन से चरण हैं जो पहले होने चाहिए और किन किन चरणों के माध्यम से बच्चा लिखना सीखता है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं प्री राइटिंग स्किल क्या है यानी कि पूर्व लेखन कौशल क्या है। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं लिखना एक अभिव्यक्ति है यानी कि लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखकर हम किसी व्यक्ति को मैसेज देते हैं, लिखकर हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति को मैसेज देते हैं, कोई सूचना प्रदान करते हैं और आदान करते हैं यानी कि लिखना एक प्रकार का संप्रेक्षण अभिव्यक्तात्मक संप्रेक्षण है। ठीक है दोस्तों, तो लिखना दोस्तों अगर हम बच्चों की बात करें जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो दोस्तों उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है क्योंकि एसोसिएटेड कंडीशन हमारे बच्चों में पाई जाती है। तो अगर हम उनको प्री राइटिंग स्किल करा रहे हैं यानी कि हम पूर्व लेखन कौशल सिखा रहे हैं उन बच्चों को, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कि लेखन कौशल को सीखना पेंसिल पकड़ने तथा अक्षरों अथवा संख्याओं के चिन्ह बनाने जैसा आसान कार्य नहीं है। यह एक जटिल क्रिया है जिसमें विभिन्न संवेदीगामक बौद्धिक तथा प्रत्यक्षीकरण क्रियाओं का समावेश है। यानी कि लिखने में हम क्या क्या कौन कौन सी चीजें हमारी समावेश है यानी शामिल है, एक तो संवेदी यानी कि हमारी संवेदनाएं गामक, ठीक है, गामक संवेदनाएं, बौद्धिक और प्रत्यक्षीकरण यानी कि हमारी बुद्धि हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, हमारी सेंसरी हो गई, ठीक है, सेंसरी मोटर हो गया और हो गया क्या प्रत्यक्षीकरण यानी कि इमेजिनेशन, किसी चीज का इमेजिनेशन करना। तो लिखने में ये सारी चीजें क्या है शामिल है। अगर कोई किसी बच्चे को हम सिखा रहे हैं लेखन कौशल तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, संवेदीगामक यानी कि सेंसरी मोटर, इंटेलिजेंस उसका और क्या इमेजिनेशन यानी कि बच्चे का बौद्धिक स्तर और उसका संवेदीगामक और क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षीकरण, इन सभी क्रियाओं का समावेश है यानी कि ये सभी क्रियाओं से गुजर कर हम लेखन कौशल को सीखते हैं। अब दोस्तों अगर हम किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बात करें कि बच्चा हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है यानी कि बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा है, मेंटल रिटार्डेड बच्चा है, उसको हम क्या करेंगे सिखाने से पहले, लेखन कौशल को सिखाने से पहले कुछ उसकी प्रीरिक्विजिट देखेंगे यानी कि पूर्वाकांक्षाएं जिसे बोलते हैं पूर्वाकांक्षाएं क्या है उसकी। ठीक है दोस्तों, पूर्वाकांक्षाएं कौन कौन सी हैं, प्रीरिक्विजिट कौन कौन से हैं यानी कि बच्चा लेखन कौशल को सीखने से पहले बच्चे के अंदर कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं यानी कि कौन कौन से ऐसे कौशल हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे के अंदर शामिल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहे हैं जिसमें विभिन्न संवेदीगामक बौद्धिक तथा प्रत्यक्षीकरण क्रियाओं समावेश है, तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए बच्चे के साथ, जैसे कि कह रहे हैं स्थूल सूक्ष्म गामक विकास यानी कि स्थूल या सूक्ष्म गामक विकास यानी कि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दोनों चीजें डेवलप होनी चाहिए बच्चे के अंदर, सूक्ष्म गामक यानी कि स्थूल गामक दोस्तों, स्थूल गामक ग्रॉस मोटर। जैसे कि दोस्तों अगर हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो बच्चा स्पेसिफिक जगह अपनी कक्षा में टेबल चेयर पर बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, कहीं उसको फिजिकली सपोर्ट देने की तो जरूरत नहीं है, तो वो चीज हम देखेंगे क्या बच्चा बिना किसी की सहायता के बच्चा बैठ पा रहा है, चलकर आकर कुर्सी मेज लगाकर ठीक स्थिति में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। फिर कह रहे हैं सूक्ष्म गामक यानी कि फाइन मोटर स्किल, क्या बच्चा पेंसिल पकड़ सकता है, पेंसिल को कंट्रोल कर सकता है या हाथ में ठीक प्रकार से उसकी सारी पकड़ विकसित है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि तिपाई पकड़ प्रिंसर लिखने में दोस्तों ट्राइपॉड जो हमारी ग्रास होती है उसका यूज करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये सही प्रकार से बैठना यानी कि बच्चा जो चलकर आ रहा है क्या वह बच्चा बैठ पा रहा है कुर्सी मेज पर पढ़, लिखने के लिए एक सही स्थिति की हमें आवश्यकता होती है कि हम आसान पूर्वक किसी एक सही कंडीशन में बैठे जिस तरीके से अच्छे से हम किसी चीज को लिख पाए। तो क्या बच्चा बैठ पा रहा है। फिर कह रहे हैं पेंसिल पकड़ना यानी कि बच्चे के अंदर उसकी पकड़ विकसित है जिससे बच्चा पेंसिल को पकड़ेगा या क्रियोन्स को पकड़ेगा जिससे लिखेगा या कलरिंग करेगा, स्क्रबलिंग करेगा, क्या बच्चा पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता है, उसका इतना फिजिकली लेवल है या नहीं है।
फिर कह रहे हैं आंख व हाथ का समन्वय यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा लिखने के लिए उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब लिखेगा अगर पेंसिल को पकड़कर कॉपी पर लिख रहा है तो क्या वह आंखों से ठीक प्रकार से समाज से कर पा रहा है यानी कि समन्वय कर पा रहा है, क्या हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हमें अनैच्छिक जैसी गतियां नजर आती है यानी कि क्रोनस होता है उनके मसल्स में, तो अनैच्छिक गतियों के कारण बच्चा एकदम से आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, कभी या तो उस जगह को देख नहीं पाते हैं या जिस जगह लिख रहे हैं या फिर हाथ उस जगह कॉपी पर नहीं रख पाते हैं जहां पर उन्हें लिखना है। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है यानी कि बच्चा कंसंट्रेट के साथ ठीक से लिख सके। फिर कह रहे हैं शारीरिक ज्ञान। शारीरिक ज्ञान का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि बच्चा जिस जगह बैठा है ठीक प्रकार से बैठा है, ऐसा ना हो कि हमने बैठा तो दिया उस बच्चे को और बच्चा गिर जाए, तो क्या है सुरक्षा के साथ बच्चा बैठा है, उसको पता होना चाहिए कि मैं लेखन कौशल सीख रहा हूँ, मेरी शिक्षिका मुझे पढ़ा रही है और लेखन कौशल सिखा रही है, लेखन कौशल के लिए मुझे क्या क्या करना है, शिक्षिका की आज्ञा का पालन करना है और किस तरीके से उसे अपनी पेंसिल को पकड़े रखना है, कब तक पकड़े रखना है, कब तक चलाना है। तो कुछ ये पूर्व कक्षा है दोस्तों, प्री रिक्वायरमेंट्स है जो क्या है कि हमें बच्चे को लेखन कौशल सिखाने से पहले हमें ये सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें बच्चे के अंदर है तब हम आसानी से लेखन कौशल सिखा सकते हैं। अब हम बात करें प्री राइटिंग स्किल कौन कौन से है, क्योंकि पेपर में ये पूछता है कि पूर्व लेखन कौशल बताइए, तो पूर्व लेखन कौन से है, स्क्रबलिंग, कर्लिंग, ट्रेसिंग, डॉट टू डॉट कॉपिंग और राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। यानी कि स्क्रबलिंग में क्या होता है दोस्तों, बच्चा सबसे पहले क्या देखता है, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं स्क्रबलिंग करना सीखता है, यानी कि स्क्रबलिंग का मतलब है दोस्तों घसीट कर लिखना, घसीट कर लिखना, ठीक है। कलरिंग का मतलब है दोस्तों रंग भरना, रंग भरना, रंग भरना सीखता है। उसके बाद सीखता है दोस्तों ट्रेसिंग करना यानी कि फेरना, ठीक है। फिर है डॉट टू डॉट यानी कि बिंदु से बिंदु का जोड़ या मिलान, बिंदु मिलान या मिलाना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है कॉपिंग यानी कि नकल करना, नकल करना। फिर करेगा बच्चे जब नकल करने लगेगा फिर करेगा राइटिंग फ्रॉम मेमोरी यानी कि याद करके लिखना, याद करके लिखना। तो ये कौशल है दोस्तों, छह कौशल है दोस्तों लिखने के, यानी कि पूर्व लेखन कौशल। बच्चा लिखने से पहले किसी एक वास्तविक शब्द को या हम कह सकते हैं कि किसी सही या शुद्ध वाक्य को लिखने से पहले बच्चा प्री राइटिंग स्किल यानी कि पूर्व लेखन कौशल सीखता है, तब बच्चा एक सही वर्तनी का प्रयोग कर पाता है यानी कि ठीक प्रकार से लिखना सीख जाता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा दोस्तों, सबसे पहले करेगा स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग में दोस्तों हम क्या सिखाएंगे, सबसे पहले बच्चा जिगजैग करता है इस तरीके से स्क्रबलिंग करेगा, या फिर ऐसे 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 जगह जगह हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं घरों में भी पेंसिल पकड़ना जब सीखते हैं तो ऐसे पूरा उनके दीवारें ऐसी लगी रहती है कि स्क्रबलिंग जैसे करा रखा होता है उन्होंने पेंसिल से, फिर ऐसे ऐसे, फिर कभी ऐसे ऐसे, यानी कि स्क्रबलिंग के साथ बच्चा क्या सीख रहा है, स्टैंडिंग लाइन सीख रहा है, ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं ट्रायंगल लाइन, सारी लाइंस वो कर रहा है यानी कि ये इस तरीके से कर रहा है, स्टैंडिंग लाइन हो गई। तो ये सारी चीजें बच्चा जिगजैग करने में सीख रहा है, जिगजैग ये स्क्रबलिंग कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या सीखेगा दोस्तों, यानी कि घसीट कर कर रहा है, उसके बाद कलरिंग सीखेगा। कलरिंग में दोस्तों कैसे सीखता है बच्चा, पहले तो क्या है हम एक बच्चे को वर्कशीट दे देते हैं और बच्चा क्या है ऐसे ऐसे करता है, स्क्रबलिंग टाइप का करता है उस वर्कशीट में यानी कि क्रियोन्स को पकड़कर। फिर हम क्या करते हैं बच्चे को सिखाते हैं धीरे धीरे, बच्चा क्या हम बच्चे को बोलेंगे आपको इस वर्कशीट के अंदर ही अंदर कलर करना है, फिर हम अंदर अंदर उसको कलर करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या करते हैं हम उसको एक बाउंड्री दे देते हैं उस वर्कशीट में कि आपको इस बाउंड्री के अंदर ही कलर करना है, तब बच्चा क्या करेगा बाउंड्री के अंदर कलर करना सीखता है धीरे 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 धीरे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एक शेप दे देंगे बच्चे को कि आपको इस ट्रायंगल के अंदर ही कलर करना है, यानी कि बच्चा क्या करेगा शेप्स के अंदर कलर करना शुरू कर देगा और उसकी कलरिंग ठीक हो जाएगी, यानी कि पूर्ण रूप से वह कलरिंग करना सीख जाएगा, अलग अलग डिजाइनों में वो कलरिंग कर पाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद सीखेगा बच्चा ट्रेसिंग करना, यानी कि हम सिखाएंगे बच्चे को जब कलरिंग सीख लेगा, स्क्रबलिंग उसका हो गया, कलरिंग करना सीख लिया उसने शेप्स में, तब हम सिखाएंगे ट्रेसिंग करना यानी कि फेरना। दोस्तों फेरना अगर हम बात करेंगे
पेंसिल से ही फेरना सीखे तो हो सकता है बच्चा भी उसको फाइन मोटर स्किल उसका नहीं है, तो हम क्या करेंगे रेत पर भी उसकी उंगली फेरना सिखा सकते हैं। यानी कि रेत पर भी हम क्या करेंगे इस तरीके से उसको बताएंगे रेत पर उंगली चलाना, तो उससे क्या होगा उसकी फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगी, सेंसरी इंटीग्रेशन भी होगा और क्या है बच्चा उस चीज को प्ले वे मेथड से सीखेगा। ठीक है, तो ट्रेसिंग करने में हम क्या सिखाएंगे बच्चे को, लाइक ले लीजिए हमने ये, तो बच्चा इस पे क्या करेगा सीधे फेरना सीखेगा सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर फेरेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो बच्चा का फेरना सीखेगा, उसके बाद क्या करना सीखेगा धीरे धीरे फेरना आ गया उसको, कब पहले स्टार्टिंग में गलती करेगा, धीरे धीरे जब वह एक्सरसाइज करता रहेगा अभ्यास के साथ तो क्या है फेरना सीख जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों डॉट टू डॉट, यानी कि ट्रेसिंग के बाद बच्चा डॉट टू डॉट करना सीखता है। डॉट टू डॉट कैसे दोस्तों, जैसे हमने इस तरीके से कुछ डॉट दे दिए बच्चे को और बच्चा क्या करेगा यहाँ डॉट टू डॉट करेगा इस तरीके से। ठीक है, डॉट टू डॉट यानी कि बिंदु से बिंदु का मिलान करेगा, तो इस एक प्रकार से एक आकार बन गया जिसमें ए लिखा हुआ है, एक अल्फाबेट हो गया दोस्तों। तो डॉट टू डॉट के द्वारा बच्चा बिंदु का मिलान करेगा तो एक अक्षर निकल कर आएगा जिसमें क्या होगा पूर्ण बिंदु का मिलान होने पर एक अक्षर बन जाएगा। उसके बाद बच्चा सीखेगा नकल करना, यानी कि बच्चे को हम सिखाएंगे कि ए को देख कर क्या तब बच्चा ए लिखेगा, यानी कि उसने देख कर लिखा, कॉपी करना सीखा उसने, फिर लिखेगा राइटिंग फ्रॉम मेमोरी यानी कि याद करके लिखेगा। हम बच्चे को बोलेंगे एप्पल का अगर हम दे देंगे उसको इस तरीके से, एप्पल दे दिया हमने वर्कशीट में, तो बच्चा क्या समझेगा एप्पल क्या है, ए फॉर एप्पल, तो बच्चा ए लिख देगा। बॉल यहाँ हम बना देंगे तो बच्चा क्या लिखेगा यहाँ पर बी लिख देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर हमने कैट का यहाँ साइन कर दिया इस तरीके से तो बच्चा क्या करेगा यहाँ पर कैट लिखेगा, यानी कि मेमोरी द्वारा करना सीख जाता है बच्चा। तो सबसे पहले बच्चा घसीटकर लिखने सीखता है, फिर क्या करता है कलरिंग करना सीखता है, फिर ट्रेसिंग करना, फिर डॉट टू डॉट, उसके बाद कॉपिंग, उसके बाद राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों ये है हमारे प्री राइटिंग स्किल यानी कि पूर्व लेखन कौशल, पूर्व लेखन कौशल। पेपर में अगर आएगा दोस्तों तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पेपर में बस इतना ही पूछेगा पूर्व लेखन कौशल कौन कौन से हैं और उनके चरणों को लिखिए। तो दोस्तों अगर पूर्व लेखन कौशल पूछ लेता है तब आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो चरण पूछेगा कि पूर्व लेखन कौशल के चरण कौन से, तब आप इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये 5 नंबर में दे रखा है क्वेश्चन तो स्क्रबलिंग के बारे में आप लिखेंगे थोड़ा सा, कि बच्चा जब पहली बार पेंसिल पकड़कर लिखना सीखता है तो सबसे पहले स्क्रबलिंग करता है, यानी कि घसीट कर लिखना स्क्रबलिंग कहलाता है। तो बच्चा घसीट कर पेंसिल चलाना और विभिन्न प्रकार की लाइनें खींचता है। कलरिंग यानी कि बच्चा पहले कलरिंग जिगजैग करता है, उसके बाद बाउंड्री के अंदर करता है, फिर एक शेप्स में कलरिंग करने लगता है। ट्रेसिंग यानी कि फेरना, यानी कि बच्चा पहले प्ले वे मेथड से अपनी उंगली के द्वारा फेरना सीखता है, फिर एक बक्सीट पर ठीक प्रकार से किसी दिए हुए अक्षर पर ट्रेस करना यानी कि फेरना सीखता है। डॉट टू डॉट दी हुई बिंदियों को मिलान करना ही डॉट टू डॉट कहलाता है। कॉपी करना यानी कि दिए हुए किसी चित्र का या किसी अक्षर का नकल करना कॉपिंग कहलाती है। राइटिंग फ्रॉम मेमोरी यानी कि किसी चीज को याद करके लिखना राइटिंग फ्रॉम मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पूर्व लेखन कौशल। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।